वेलकम बैक टू योर स्टूडेंट्स. माई नेम इज़ आमना. आई एम अ फाइनल ईयर वेटनरी स्टूडेंट. इस वीडियो के अंदर आई विल टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफ वेटनरी ऑफिसर. राइट, एज वी नो वी बिलोंग टू द सिंध प्रोविंस. तो सिंध के का एक इदारा है, देर इज़ अ डिपार्टमेंट इन द सिंध विच इज़ नोन एज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम एस पी एस सी भी कहते हैं. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कई डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स अनाउंस करता है, जैसे कि एस टी एस है, एस एस टी है, लेक्चरर की सीट्स होती हैं. इस टेस्ट के अंदर कुछ मराहिल होते हैं. पहला पार्ट होता है टेस्ट, दूसरा पार्ट होता है इंटरव्यू. ठीक है, इंटरव्यू देने के बाद अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप उस जॉब को हासिल कर पाते हो, अदरवाइज़ आप वो रह जाते हो. अगर आपके मार्क्स भी इंटरव्यू में भी ठीक नहीं होते तो आप रह जाते हो. तो वेटनरी ऑफिसर की एक कमीशन होता है, टेस्ट होता है. जब कब अनाउंस होता है, तभी अनाउंस होता है जब उसकी वैकेंसी सीट्स होती हैं. तो ये वैकेंसी सीट्स होती हैं तब अनाउंस होता है, हर साल ये अनाउंस नहीं होता. इसके अंदर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, टेस्ट भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता. टेस्ट के अंदर टेस्ट होता है एक, रिटन टेस्ट दूसरा पार्ट होता है उसका इंटरव्यू. तो इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं, क्योंकि पूरे 5 सालों के अंदर डीवीएम डिग्री के अंदर आप कई कोर्सेज पढ़ते हो, तो वो सब कोर्सेज को आप रिपीट करना आपको करना होता है जब ये आप टेस्ट दे रहे होते हो वीओ का. तो आज पहला जो हम पोर्शन उठा रहे हैं वो सर्जरी सेक्शन है, सर्जरी पोर्शन है. उसकी पहली वीडियो मैंने आज बनाई है, दूसरी इंशाल्लाह आपके पास मौजूद होगी जल्दी. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स टॉक अबाउट इट. पहले जो एमसीक्यूज है वो गटरल पाउच है. गटरल पाउच इज प्रेजेंट इन, पहले हमें पता होना चाहिए कि गटरल पाउच है क्या. इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द स्टार्चियन ट्यूब. स्टार्चियन ट्यूब बेसिकली एक कैनाल होती है जो कि थ्रॉट को मिडिल ईयर के साथ कनेक्ट करती है. हम जब भी एयर के अंदर ड्रॉप्स डालते हैं या ड्रॉप्स, तो उसका जायका हमें महसूस होता है हमें थ्रॉट के अंदर. द रीज़न इज़ दैट के थ्रॉट और मिडिल ईयर कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार्चियन ट्यूब. क्योंकि हमें पता है हमारे पास 2 एयर होते हैं, ठीक है, तो 2 स्टार्चियन ट्यूब्स होती हैं. तो इस तरीके से 2 हमारे पास गटरल पाउचेस होते हैं. बेसिकली हॉर्सेस और डोंकी के पास ये मौजूद होता है. इसका काम क्या होता है, ये प्रेशर को इक्वलाइजेशन, इट यूजेस आर सेवरल, प्रेशर इक्वलाइजेशन अक्रॉस द ईयर ड्रम, वार्मिंग ऑफ द इनहेल्ड ईयर, रीजनेटिंग चैम्बर फॉर वोकलाइजेशन, एंड टू इड इन द कूलिंग ऑफ द ब्लड दैट फ्लोज टू द ब्रेन ड्यूरिंग एक्सरसाइज. एज वी नो हॉर्सेस और डोंकीज, इन दोनों के पास गटरल पाउच होता है. हॉर्सेस रेसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ट्रेवल करने के लिए भी पहले दौर के अंदर इस्तेमाल होते थे, जहाद करने के लिए भी इस्तेमाल. तो देयर आर सेवरल यूजेस जिसके अंदर हॉर्सेस को एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं. तो देयर फोर इट हैज़ अ गटरल पाउच, जिसकी मदद से ब्लड जो ब्रेन हेड के पास जाता है वो ठंडा होके जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स भी हैं जो कि इस गटरल पाउच से क्रॉस करती हैं. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, ये सब पास होती हैं गटरल पाउच से, और ये प्रोवाइड करती हैं ब्लड ब्रेन को और हेड को. ये यहाँ से ब्लड ठंडा होता हो जाता है नॉर्मल. तो ये डोंकीज के पास प्रेजेंट होता है. एट्रोपिन सल्फेट इज़ बेसिकली अ प्री एनेस्थेटिक ड्रग. हमें पता है सर्जरी सेक्शन की बात करें, सर्जरी के अंदर हम डिफरेंट बॉडी के अंदर कट्स लगाते हैं जिसके लिए एनिमल को एनेस्थेटाइज करना होता है. जब भी एनेस्थेटाइज करना होता है तो उसका फ़ायदा ये होता है, एनिमल सेडेट होता है, काल्म होता है, उसको इन्वायरमेंट का पता नहीं चलता होता. उसके ऊपर हम कुछ भी सर्जरी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो एनिमल उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता. एनेस्थेसिया देने से पहले हम प्री एनेस्थेसिया देते हैं. प्री एनेस्थेसिया देने के कुछ फ़ायदे भी हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि जो डोज होता है एनेस्थेसिया का वो भी कम हो जाता है, ठीक है. इसके अलावा अगर कोई एनेस्थेसिया का साइड इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट को भी ख़त्म करने के लिए हम प्री एनेस्थेसिया देते हैं. जैसे कि अगर हम ज़ाइलेज़ीन दे रहे हैं एनेस्थेसिया, तो ज़ाइलेज़ीन का साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये वेगल जो स्टिमुलेंट है, वेगल स्टिमुलेंट है. उससे पहले हम एट्रोपिन सल्फेट देते हैं जो कि वेगल सप्रेसेंट है. इसकी मदद से हम सलाइवेशन को रिड्यूस करते हैं, ब्रोंकियल सेक्रेशंस को रिड्यूस करते हैं, और इंटेस्टाइनल पेरास्टलिसिस होती है नॉर्मली डायरिया के केसेस में जो होती है, या कॉलिक के केसेस में अगर होती है तो उसको भी हम रिड्यूस करते हैं. राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग सूजन मटीरियल इज बैडली डैमेज बाय ऑटोक्लेविंग. तो ये है पोलीग्लाइकोलिक एसिड,
पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एक एब्जॉर्बेबल ब्रेडेड मल्टीफिलामेंट सर्जिकल सूचर है जिसके ऊपर सिंथेटिक कोटिंग होती है और इसकी एब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत टाइम लगता है। इसके अंदर बहुत ही कम इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है, बॉडी के अंदर केमिकल हाइड्रोलाइसिस से ये ब्रेक डाउन होता है और मेटाबोलाइज हो जाता है बॉडी के अंदर ईजिली। इकोआइथेजिन एनेस्थेसिया इज यूज्ड फॉर, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो और आपको पता नहीं है कि इकोआइथेजिन क्या है, मगर आपको पता ये है कि इक्वाइंस क्या होते हैं। इक्वाइन हम इसके अंदर कुछ कैटेगरीज के एनिमल्स आते हैं जैसे कि हॉर्सेस और डोंगीज आते हैं, तो आप अगर हॉर्सेस को टिक करते हो तो आपका ऑप्शन गलत नहीं होगा क्योंकि इक्वाइथेजिन एनेस्थीजिया ये एक कॉम्बिनेशन एनेस्थेटिक एजेंट है जिसके अंदर क्लोरल हाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पेंटोबारबिटल सोडियम होता है और ये हॉर्सेस को देने वाली जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है जिसको हम आईवी के ज़रिए देते हैं, इंट्रावीनियसली देते हैं और ये बहुत सालों तक यह हॉर्सेस को दी जाती थी। फॉलोइंग बर्न कर्लिंग अल्सर्स अकरिंग, ठीक है, जब भी बर्न होता है, बर्न की डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हो सकता है या कोई हमें कोई एनिमल्स को इनसाइड इंजरी हो गई है तो दे आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ द बर्न। तो कर्लिंग अल्सर्स या तो स्टमक के अंदर होते हैं या तो ड्यूओडेनम के अंदर होते हैं, तो राइट आंसर इज ड्यूओडेनम। एम्प्यूटेशन ऑफ हॉर्न्स इन गोट इज डन बाय ब्लॉकिंग, जब भी हम फील्ड कंडीशन के अंदर होते हैं तो फील्ड कंडीशन के अंदर जो भी गोट्स होती हैं उनके जो हॉर्न्स होते हैं उनको कट किया जाता है। इसकी वजह तो एनिमल वेलफेयर भी है कि जब भी एनिमल फील्ड कंडीशन के साथ होते हैं तो दूसरे एनिमल को वो टक्कर ना मारे, उनको इंजरी ना पहुंचाएं। तो हम वहाँ पर हॉर्न्स के अंदर कौन सी नर्व्स होती हैं जिसको हम ब्लॉक करते हैं, फिर सर्जिकली हम हॉर्न्स को रिमूव करते हैं ताकि एनिमल को पेन ना हो। तो कॉर्नियल ब्रांच ऑफ लैक्रिमल है, सुप्राट्रोकियल नर्व दोनों ही हैं जो कि ये नर्व्स हॉर्न्स के अंदर मौजूद होती है, वहाँ से अराइज हो रही होती हैं और इनको हम ब्लॉक करते हैं ताकि हम हॉर्न को रिमूव कर पाएं। द कॉमन अनडिजायरेबल कार्डियोपल्मोनरी इफेक्ट ऑफ एसीप्रोमिजिन, एसीप्रोमिजिन एज वी नो ट्रैंक्यूलाइजर है, सेडेटिव है। इसके अंदर जो कंपोजिशन के अंदर मटेरियल होता है वो एसीप्रोमिजिन मेलिएट होता है, ये प्री एनेस्थेटिक ड्रग है और ये एज अ प्री एनेस्थेटिक भी इस्तेमाल होती है, एज अ केमिकल रिस्ट्रेंट भी इस्तेमाल होती है डॉग्स एंड केयर्स के लिए। इसका जो साइड इफेक्ट होता है ये लो ब्लड प्रेशर करवा लेती है, ठीक है, मतलब जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो इसको इस्तेमाल करने से कम हो जाता है। ठीक है, जब बीपी कम हो जाता है तो अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमारा, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम CVS जिसके अंदर हर्ट और हमारी ब्लड वेसल्स आती हैं, वो भी कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो ये हाइपोटेंशन है, अगर हाई ब्लड प्रेशर करवा रही होती तो हाइपरटेंशन होता, बट यहाँ पर ये हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर कॉज करवाती है। एब्सेस इन्वॉल्विंग सेबेशियस ग्लैंड, राइट, तो एज वी नो सेबेशियस ग्लैंड्स ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ये वही ग्लैंड्स हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर आपकी स्किन, हमें खुद पता चल जाएगा कि स्किन ऑयली है तो आपके सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा हैं और वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो एब्सेस इन्वॉल्विंग सेबेशियस ग्लैंड्स, हम ये चार ऑप्शन है, एक्नी है, कार्बंकल है, फारंकल है, बॉयल है, इन दोनों को, चारों को हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा सही है। अ कॉमन स्किन कंडीशन दैट हैपन्स वन हेयर फॉलिकल अंडर द स्किन बिकम लॉज, कार्बंकल आर क्लस्टर्स ऑफ फारंकल कनेक्टेड सबक्यूटेनियसली कॉजिंग डीपर सेपरेशन एंड स्केयरिंग, फारंकल आर स्किन एब्सेसेस कॉज्ड बाय स्टाफिलोकोकस इन्फेक्शन विच इन्वॉल्व हेयर फॉलिकल एंड सराउंडिंग टिश्यूज, बॉयल इज अ पेनफुल कलेक्शन ऑफ पस दैट फॉर्म्स इन द स्किन बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इनकी पिक्चर्स यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, इनको देखकर आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। फारंकल आप देख सकते हो, ये जो हमारे पास जो ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, इस ये इन्फ्लामेशन हो गया, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गई है बहुत ज़्यादा। नॉर्मल ये है हमारे पास, बॉयल के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गई है, स्किन के अंदर भी वो इन्फ्लामेशन आ रही है, कार्बंकल के अंदर कई ज़्यादा मतलब फारंकल्स हैं, या हम कहते हैं कि क्लस्टर ऑफ बॉयल होता है। बेसिकली जो बॉयल है
उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, उसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे ये फारंकल है, कार्बंकल है, ये बॉयल की ही टाइप्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फारंकल कार्बंकल्स कहते हैं इनको। और एक्नी का ऑप्शन था हमारे पास, तो एक्नी मोस्ट कॉमनली हमारे फेस पर या फॉरहेड पर या चेस्ट की रीजन पर, बैक शोल्डर्स के ऊपर अपेयर होती है, क्योंकि इन जगहों पर बहुत ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जो कि सेबेशियस ग्लैंड्स हेयर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो फीसिबल होगा, जिसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड इन्वॉल्व होता है बेसिकली, तो वो है एक्नी। इन अपर फिक्सेशन ऑफ पटीला इन बोवाइंस, सेक्शनिंग ऑफ द फॉलोइंग इज डन। आपने सर्जरी सर्जरी जब कोर्स पढ़ते हो, तो ये सर्जरी आपने खुद भी की होगी और आपने या तो पढ़ा भी होगा। तो जो पटेला है उसके अंदर लिगामेंट्स होते हैं, तीन तरह के लिगामेंट्स होते हैं, मिडल, लेटरल और मीडियल। तो कौन सा लिगामेंट, जब भी ये प्रॉब्लम होती है अपर फिक्सेशन ऑफ पटेला, तो कौन सा लिगामेंट को हम कट करते हैं, तो वो जो लिगामेंट है वो मीडियल लिगामेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्यूमर इज यूजली मोस्ट रेडियो सेंसिटिव? रेडियो सेंसिटिव मतलब एक्सरे से कौन सा जो ट्यूमर है वो बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत ही इजीली ब्रेक डाउन होता आता है, तो वो है लिम्फो सार्कोमा। द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू इन द बॉडी, बहुत ही ईजी है, ओवरीज एंड टेस्टिस। अमंग द फॉलोइंग कॉमनली यूज मोड ऑफ स्कैन इन मॉडर्न डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड मशीन इज, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला बी मोड है अभी, ब्राइटनेस मॉड्यूलेशन। ए मोड पहले यूज़ होता था, जिसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको कहते थे। अब हमारे पास बी मोड है, ब्राइटनेस मॉड्यूलेशन है। एम मोड बेसिकली फीटल कार्डियक रेट या हमारे कार्डियक रेट मालूम करने के लिए, खुद का, इंसान का या एनिमल का, उसको मालूम करने के लिए मोशन मोड या एम मोड इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक मशीन, मॉनिटरिंग मशीन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द हर्ट्स। ईसीजी जिसको कहते हैं, मोस्ट कॉमनली ईसीजी हम करवा रहे होते हैं जब भी हर्ट डैमेज होता है या हर्ट की कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये बेसिकली हर्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। आफ्टर कार्डियक इम्पल्स लीव्स द एस ए नोड साइनो आर्टेरियल नोड एंड डीपोलराइजेज द एओर्टा, इट गोज़ टू ए बी नोड। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज यूज टू एवेल्युएट पोजिशन ऑफ द हर्ट, यस, रिलेटेड साइज ऑफ द हर्ट चैम्बर, इंटेग्रिटी ऑफ द कंडक्शन सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जो दूसरे क्वेश्चन होंगे वो मैं दूसरी पार्ट टू के अंदर इंशाल्लाह आपको दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।